जिला इटावा के चौबिया थाने के शौचालय में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का वीडियो हुआ वायरल। वहीं दरोगा व दो सिपाही हुए निलंबित। इसके पीछे की साजिश जानकर रह जाएंगे हैरान आप। जिला इटावा चौबिया थाने के परिसर में शौचालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति रखे होने को लेकर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने पर एसपी जयप्रकाश सिंह ने थाना के दरोगा धर्मेंद्र शर्मा व दो आरक्षी कुलदीप व सचिन को निलंबित कर दिया है। इस मामले को संज्ञान में लेकर बसपा के जिलाध्यक्ष सुरजन सिंह जाटव द्वारा एसपी से शिकायत की गई थी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बताया गया था। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा इसका वीडियो तेजी से वायरल किया गया था। उन्होंने चौबिया थाना अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। पूरे मामले में एसपी ने एसपी ग्रामीण सत्यपाल सिंह को मामले की जाँच सौंपी थी। एसपी ग्रामीण सत्यपाल सिंह ने बताया कि जाँच के बाद थाना अध्यक्ष की भूमिका सही पाई गई है। इस साजिश में थाना के दरोगा धर्मेंद्र शर्मा व आरक्षी कुलदीप और सचिन की मिलीभगत पाई गई है। इन्हें निलंबित कर दिया गया है। उधर बसपा के एमएलसी भीमराव डॉक्टर अंबेडकर ने मामले की जांच की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ बताया गया कि एसपी के ग्रामीण सत्यपाल सिंह ने बताया कि थाना अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह को फंसाने की साजिश की गई थी। वह अपने स्टाफ से सख्त लहजे में कार्य करा रहे थे, जिसको लेकर स्टाफ नाखुश थे। उसी के तहत दरोगा धर्मेंद्र शर्मा व सिपाही कुलदीप व सचिन द्वारा यह साजिश रची गई थी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यह मूर्ति 2 साल पहले बीना गांव से आई थी। पहले यह मूर्ति थाना के नए परिसर में एक कमरे में रखी गई थी। इसे जानबूझकर शौचालय में रखवा दिया गया। इसका वीडियो बनवा कर जारी कर दिया गया।